बहुत धूमधाम और घाट-बाट से निकाली जाती है। केरल के लोकप्रिय नृत्य कथकली का आयोजन भी किया जाता है। इस अवसर पर नृत्यांगनाएं जो नाच करती हैं बेटा उनके लिए नृत्यांगनाएं सामान्यतः सुनहरी किनारे वाली दुग्ध धवल साड़ियां पहनती हैं। दुग्ध धवल यानी कि सफेद दूध जैसी सफेद दुग्ध धवल साड़ियां पहनती हैं। अपने घने काले चमकदार केशों को फूलों के गजरों से सजाती हैं और मधुर गीत गा गाकर तथा झूम झूम कर तालियां बजाती हुई नृत्य करती हैं। ओणम का प्रमुख आकर्षण है विश्व विख्यात नौका दोह, विश्व विख्यात जो सारे संसार में प्रसिद्ध हो। सभी वर्गों के लोग इस जल क्रीड़ा से उत्सुकता पूर्वक भाग लेते हैं। दौड़ में भाग लेने वाली नौकाएं विष्णु सैया जैसे आकार की होती हैं। नौका का एक भाग शेषनाग के फन जैसा और दूसरा शेषनाग की पूंछ के समान होता है। नाव की लंबाई लगभग 15 मीटर होती है। इसमें लगभग 50 व्यक्तियों के बैठने का स्थान होता है, किंतु दौड़ के अवसर पर लगभग 30 व्यक्ति इसे खेते हैं। प्रत्येक नाव विभिन्न रंगों और आकारों की पताकाओं से सुसज्जित होती है। दौड़ के समय नाविकों में उत्साह तथा स्फूर्ति की लहर दौड़ जाती है। नाव की दौड़ का यह दृश्य बहुत ही आकर्षक और रोमांचकारी होता है। रोमांचकारी होता है। किनारों पर खड़े असंख्य दर्शक इस दौड़ का भरपूर आनंद लेते हैं तथा प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतियोगिताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां बजाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। केरल का यह त्योहार ओणम आनंद और उल्लास का त्योहार है। यह लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने वाला है। सभी धर्मों जातियों और वर्गों के लोग इस पर्व को समान रूप से समान भाव से और सम्मिलित होकर हर प्रकार के भेदभाव की कुसक्ति भावना को त्याग कर निर्मल हृदय से इसे मनाते हैं। बेटा जो ओणम का त्योहार है यह हर जगह मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये था हमारा पाठ 8 जिसमें ओणम के त्योहार का वर्णन किया गया था। इसे बेटा आप पढ़िए और इसके कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखिए।